करीना कपूर फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी और बेटे को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी के किस्से आज किसी से छिपे नहीं हैं। 8 साल इस जोड़ी को एक साथ रहते हो गया है और आज भी लोग इस जोड़ी की उम्र को लेकर सवाल करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन सैफ करीना ने कभी भी अपने रिश्ते में दरार आने नहीं दी। वहीं 8 साल बाद इनके रिश्ते की जो बात सामने आई है वो सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल करीना ने अपने और सैफ के रिश्ते को लेकर 13 साल बाद चौंकाने वाला खुलासा किया है। करीना ने कहा कि सैफ से शादी के वक्त मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया था। करीना ने बताया कि सैफ से रिश्ता तो टशन फिल्म के वक्त जुड़ा था। उस वक्त मैं शाहिद कपूर से ब्रेकअप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। करीना ने बताया कि फिल्म जब भी मेड से लेकर टशन के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे वो भविष्य में भी नहीं भूल सकती। करीना ने बताया कि उस वक्त जब भी मेड की स्टोरी और मेरी पर्सनल लाइफ में कोई अंतर नहीं था। करीना ने बताया कि उस वक्त मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। आपको बता दें, करीना और शाहिद कपूर का रिश्ता कुछ ऐसा था कि उनकी शादी की उम्मीदें भी लगाई जा रही थी, लेकिन फिल्म जब भी मेड के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। शाहिद से ब्रेकअप के बाद करीना ने सैफ के साथ फिल्म टशन में काम किया। यहीं से इनकी नजदीकियां बढ़ गईं। अब इसे जल्दबाजी कहें या फिर टूटे दिल का सहारा, जिसकी वजह से करीना ने सैफ से शादी की। आज करीना सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ खुश हैं, तो वहीं शाहिद और मीरा अपने बेटा और बेटी के साथ खुश हैं। तो आपको कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलम न्यूज रिपोर्ट।